व्यापार एवं उद्योग महासंघ ने सेवा भारती को भेंट की 4 टेबल और 10 कुर्सी। डॉक्टर रघुवंशी ने क्षय रोग उन्मूलन की दी जानकारी। राठी ने मिष्ठान वितरण कर मनाया पुत्र का जन्मदिन। जी हाँ, आपको बता दें, सेवा भारती अन्नपूर्णा प्रकल्प पर व्यापार एवं उद्योग महासंघ गुना द्वारा रविवार को अपने सेवा भाव के चलते सेवा भारती को 4 स्टेनलेस स्टील की टेबल एवं 10 कुर्सियाँ महासंघ पदाधिकारियों की उपस्थिति में अध्यक्ष राजेश अग्रवाल द्वारा समर्पित की गई, ताकि मरीजों के परिजनों को टेबल कुर्सी पर बैठा कर भोजन कराया जा सके। साथ ही मारवाड़ी महिला समाज की अध्यक्ष श्रीमती उपमा राठी ने अपने सुपुत्र का जन्म दिवस मरीजों के परिजनों को भोजन एवं मिष्ठान वितरण कर सेवा कार्य दिवस के रूप में मनाया। साथ ही अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल की ओर से उषा विजय वर्गीय, ज्योत्ना जैन, कल्पना विजय वर्गीय, संध्या मित्तल, अंतिमा बंसल, राधा मित्तल, आशा मित्तल, शशि राठी, अंजू अग्रवाल, निष्ठा गर्ग, नंदा गोयल द्वारा गरीब और असहाय लोगों को वस्त्रों का वितरण किया गया। इसके साथ ही जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा क्षय रोग उन्मूलन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा इच्छा मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिससे टीवी मरीजों का सहयोग कर सके, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अभी जिले में 35,000 के करीब मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। पूर्व वर्षों की तुलना में टीबी मरीजों में काफ़ी सुधार हुआ है और 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि इस बीमारी पर पूरी तरह से नियंत्रण करना है। इस कार्यक्रम में व्यापार एवं उद्योग महासंघ की ओर से प्रद्युमन जैन, मनीष भार्गव, अभिजीत गोयल, अंकुर दुसाज सहित महासंघ के सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सेवा भारती के सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों का माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। अंत में आभार अमित गोयल द्वारा व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।